नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि LLB में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के विषय में जानकारी देने वाले हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन, कार्य और उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों की चयन प्रक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों की जजों की योग्यता और कार्यकाल। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किस प्रकार के केसों की सुनवाई होती है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केस फाइल करने का प्रोसेस क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का ज्यूरिडिक्शन क्या है और इससे संबंधित तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी देने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपको LLB, LLM, PCSJ, हायर जुडिशियल सर्विस सहित तमाम पदों की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है और यह संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 प्रमुख अंगों में से एक है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में की गई और अप्रैल 1946 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कार्य करना प्रारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक कई देशों के बीच जटिल विवादों का शांतिपूर्ण हल कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हल खोजना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड की राजधानी हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बिल्डिंग का नाम शांति महल, पीस पैलेस है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रशासन का खर्च का भार संयुक्त राष्ट्र संघ पर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश और फ्रेंच है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति पाने के लिए प्रत्याशी को महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों में ही बहुमत प्राप्त करना होता है। यह तय करने के लिए अलग अलग गुप्त मतदान की व्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर ना होकर उनके उच्च नैतिक चरित्र, योग्यता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर उनकी समझ के आधार पर होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक ही देश के दो न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दलबीर भंडारी भारतीय न्यायाधीश हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 न्यायाधीशों में अफ्रीका से 3, लैटिन अमेरिका कैरिबियन देशों से 2, एशिया से 3, पश्चिम यूरोप से और अन्य राज्यों से 5, पूर्वी यूरोप से 2 न्यायाधीशों का निर्वाचन होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन और रजिस्ट्रार की नियुक्ति होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किसी भी मामले पर निर्णय न्यायाधीशों के बहुमत के आधार पर होता है। सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार है। न्यायालय के सदस्य स्वतंत्र न्यायाधीश होते हैं जिन्हें दायित्व ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेनी होती है कि वे अपनी शक्तियों का निष्पक्षता और शुद्ध अंतरकरण से उपयोग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए न्यायालय के किसी भी सदस्य को तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि अन्य सदस्यों की एकमत राय न हो कि वह आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। अभी तक किसी भी न्यायाधीश को पद से विस्थापित नहीं किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्याय क्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम कानूनी विवादों का निपटारा करना और संयुक्त राष्ट्र के अंगों और अधिकृत विशेष एजेंसियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर कानूनी राय देना है। यानी इसके दो विशेष कर्तव्य हैं, अर्थात कानून के अनुसार यह कानूनी विवादों पर निर्णय देता है, दो पक्षों के बीच विवाद पर फैसला सुनाता है और संयुक्त राष्ट्र की इकाइयों के अनुरोध पर कानूनी राय देता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 93 में बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देश इस न्यायालय से न्याय पाने का अधिकार रखते हैं। हालांकि जो देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं वे भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्याय पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कौन से मामलों पर फैसला सुनाया जा सकता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दो देशों के मध्य पैदा हुए विवाद के लिए केस किया जा सकता है। दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को मानना आवश्यक होता है। केवल देश ही विवादास्पद विषयों में शामिल हो सकते हैं। व्यक्तियों, गैर सरकारी संस्थाएं ऐसे केस का हिस्सा नहीं हो सकती हैं। ऐसे मामलों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा तभी किया जा सकता है जब दोनों देश सहमत हों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय काम कैसे करता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अपनी मर्जी के हिसाब से नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नियमावली 1978 के अनुसार चलती है, जिसे 29 सितंबर 2005 को संशोधित किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किसी देश का कोई स्थायी प्रतिनिधि नहीं होता है। सभी देश सामान्यतः अपने विदेश मंत्री के माध्यम से या नीदरलैंड में अपने राजदूत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के रजिस्ट्रार को संपर्क करते हैं जो उन्हें कोर्ट में एक एजेंट के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वकील की मदद भी ली जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केस करने के लिए सबसे पहले आवेदक को
केस दर्ज करवाने के लिए न्यायालय के क्षेत्राधिकार और अपने दावे के आधार पर एक लिखित आवेदन देना होता है। प्रतिवादी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करता है और मामले की योग्यता के आधार पर अपना लिखित उत्तर दर्ज करवाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किसी मामले की सुनवाई सार्वजनिक रूप से तब तक होती है जब तक कि न्यायालय का आदेश अन्यथा न हो, अर्थात यदि न्यायालय चाहे तो किसी मामले की सुनवाई बंद अदालत में भी कर सकता है। सभी प्रश्नों का निर्णय न्यायाधीशों के बहुमत से होता है। सभापति को किसी भी मामले में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, इसकी अपील नहीं हो सकती है, किंतु कुछ मामलों में पुनर्विचार हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्याय प्रक्रिया काफ़ी जटिल प्रकृति की है, जिसमें न्याय पाने के लिए काफ़ी लंबी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं।